मैं तो इस वर्ल्ड कप में फिलहाल इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारा स्क्वाड सिलेक्शन है उसको देखते हुए ना पाकिस्तान को सपोर्ट करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन आज के मैच के बाद ना दिल कर रहा है कि सपोर्ट करें। जो ओपनर आउट हुए शुरू में तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सबसे पहले तो स्कोर देख के तो खैर हम दिल हार बैठे थे, क्यों कुछ भी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, बस जो आया रिजल्ट एंड आई फील प्राउड टू पाकिस्तान। अनएक्सपेक्टेड हुआ कि वो लोग जीत गए। आज हमारा आजम नहीं पूरे पाकिस्तान का आजम है इमामुल हक, तो यार उसको पर्ची बोलते हैं मेरे ख्याल से, यार उसको पर्ची ना बोले क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन बस वो उसकी लक नहीं है। यार मैच तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये कि अनएक्सपेक्टेड विन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो काफ़ी टाइम से ना 300 से प्लेस चेज नहीं कर पा रहा, आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं बचपन से देखते आ रहे हैं, 300 क्या 250 भी चेज नहीं करता, 250 भी चेज नहीं करता, 300 तो फिर दूर की बात है। तो ये कि अच्छा रहा मैच, खुशी भी हुई, लेकिन मैं तो इस वर्ल्ड कप में फिलहाल इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारा स्क्वाड सिलेक्शन है उसको देखते हुए ना पाकिस्तान को सपोर्ट करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन आज के मैच के बाद ना दिल कर रहा है कि सपोर्ट करें। लेकिन कुछ है कि रिप्लेसमेंट हो सकती है प्लेइंग 11। अच्छा, अगर रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स नहीं होती इतनी शानदार, फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है? नहीं, आगे मैचेस में हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि ये पिच है ना वो समझ नहीं आ रही है किस हिसाब से ये लोग ना डिजाइन कर रहे हैं उसको, बॉलर के लिए बिल्कुल बेकार हो रही है पीछे, सिर्फ बैट्समैन के लिए ये सूटेबल है क्योंकि बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं। आप देखें हर मैच में 300 प्लस टारगेट हो रहा है, फिर सामने टीम वाले भी 300 प्लस चेस कर रही है उसको, क्योंकि बॉलर उस पर कुछ भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। जो ओपनर आउट हुए शुरू में तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सबसे पहले तो स्कोर देखे तो खैर हम दिल हार बैठे थे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर आज तक हमारी जो क्रिकेट हिस्ट्री है उसने चेस नहीं किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कोर चेज हो गया। दूसरी बात ये कि हमने अभी तक जो देखा था शुरू भी हमारी 2-3 विकेटें गिरती हैं, तो हम जो है ना सब बैक टू बैक लाइन लगा देते हैं, तो आज इससे भी थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला। 2 विकेटें जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिडिल ऑर्डर जो जिस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है उसी ने आज जो है ना मैच जितवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद यही करते हैं इससे भी ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान खेले और वर्ल्ड कप हमारे पास है। मतलब मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैच तो देखा नहीं था, बट जब मैच का रिजल्ट आया तो मैंने कहा अच्छी बैटिंग होगी, अच्छी बॉलिंग की होगी, तो आई एम सॉरी आई एम अनएबल टू मेक एनी काइंड ऑफ कमेंट ऑन दैट बॉलिंग, बट ओवरऑल इट्स गुड। बैटिंग देखी, बैटिंग का बता दो। कुछ भी नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, बस जो आया रिजल्ट एंड आई फील प्राउड टू पाकिस्तान। बाबर आजम पता नहीं क्यों रिलैक्स लेके खेलने मैच को, उन्होंने तो आज मुझे एक्सप्रेशन से आखिर में यही लग रहा था कि उन्होंने तो उम्मीदें छोड़ दी थी। अनएक्सपेक्टेड हुआ कि वो लोग जीत गए आज, क्योंकि आज उन्होंने जो ड्रेसिंग रूम में दिखाया जा रहा था ना कैमरे में उनको दिखा रहे एक्सप्रेशन, उनका ये दिख रहा था कि उन्होंने यकीन नहीं आ रहा उनको खुद को कि हम जीत गए आज मैच। उनके बगैर, हाँ उनके बगैर हम मैच जीत गए। हाँ बिल्कुल, उनकी इनिंग बहुत बेहतरीन थी और उनकी इनिंग पे मैं एक ही अलामा इकबाल का एक शेर अरज करना चाहूँगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते हैं फल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा, कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इंशाल्लाह जैसे कल हम देख रहे थे इंडिया की जो बैटिंग लाइन है जिस पे लोग बोल रहे थे इनका मिडिल ऑर्डर जिस तरह चला, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने जो कर दिखाया उससे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आज भी नहीं कुछ कर सके। नहीं बिल्कुल आज नहीं चल पाए, लेकिन ये हर टाइम एक ही बंदा नहीं चलता है। बाबर आजम और रिजवान की और ओपनिंग जोड़ी की माशाल्लाह से अभी तक काफ़ी कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया है, कोई मसला नहीं है, नंबर वन है, इंशाल्लाह नंबर वन रहेगा और आगे भी हमें परफॉर्म करके देगा। हमारा आजम नहीं पूरा पाकिस्तान का आजम है। यार मैच तो अच्छा था और दोनों ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन हमारे जो अभी एक जो हम जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं ना इस वक्त वो ओपनिंग स्टैंड है। ओपनिंग स्टैंड अगर हमारा इस वक्त सही हो जाए और कुछ बॉलर जो है हमारे वो रिदम में नहीं नज़र आ रहे बिल्कुल भी, इसमें आउट ऑफ फॉर्म है आपका शाहीन भी, वो कलर नज़र नहीं आ रहा शाहीन में जो कलर है उसका, और हारिस में भी वो कलर नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि ये लोग फास्ट ट्रैक्स पे बॉलिंग करने के आदी हैं और यहाँ स्पिनिंग विकेट्स हैं, बिल्कुल तख्ता विकेट्स हैं, तो ये जितनी जान मार रहे हैं बेकार हो रहा है सब। तो ये आज भी नहीं चल सके इमामुल हक, तो यार उसको पर्ची बोलते हैं मेरे ख्याल से, यार उसको पर्ची ना बोले क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन बस वो उसकी लक नहीं है। लेकिन वो सेम
दोनों इनिंग्स में एक ही जैसे शॉट मार के आउट हुआ। आप देखो कि आपने नीदरलैंड के खिलाफ भी देखा उसको, इसी तरह का उसने शॉट मारा था, और अभी जो आज मारा इसने वो भी वही शॉट सेम डिटो। इस पे थोड़ा सा वर्किंग की जरूरत है मेरे ख्याल से। पता नहीं ड्रेसिंग रूम में जो बैटिंग कोच है वो क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इसके, बिल्कुल हम समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, थोड़ा सा वरी है।